दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं माँ कर्मा डीजे सेटअप के पास। दोस्तों इस सेटअप को हम खुद अपना सेटअप कहेंगे तो कोई बुरा नहीं, भैया को कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि भैया जी हम खुद बोलते हैं कि ये सेटअप आपका ही है करके। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीजे ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम आप लोगों को मिलवाने वाले हैं माँ कर्मा डीजे के ऑनर से। दोस्तों साथ ही आप लोगों को दिखाने वाले हैं माँ कर्मा डीजे वाले की घर, शॉप एवं उनकी गोदाम को। दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं, आइए आप सभी को मुंगेली तक का सफर कराते हैं। माँ कर्मा डीजे के पास पहुँचे हैं, अभी सेटअप बंधा हुआ है, 8 बेस का सेटअप बांध कर रखे हैं अभी। दोस्तों भैया जी का शॉप माँ कर्मा डीजे एंड स्पीकर रिपेयरिंग सेंटर। दोस्तों कर्मा डीजे का शॉप मुंगेली में कंवरधा रोड में है। दोस्तों अभी आप लोगों को हम भैया जी का घर दिखाने वाले हैं, तो आइए दोस्तों। दोस्तों ये है भैया जी का शॉप और यहीं पर भैया जी रहते भी है। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मुंगेली माँ कर्मा डीजे एवं इलेक्ट्रिकल शॉप। दोस्तों मैं श्रीनिवास यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ छत्तीसगढ़ डीजे ब्लॉक्स में। दोस्तों मुंगेली जिला में अपने डीजे से धमाल मचाने वाले भैया महेंद्र साहू जी से आप लोगों को आज हम मिलाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कहीं आप लोगों ने हमारे चैनल छत्तीसगढ़ डीजे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों आप सभी को मिलाते हैं डीजे यूनियन जिला अध्यक्ष मुंगेली माँ कर्मा डीजे के संचालक भैया महेंद्र साहू जी से। जी नमस्कार, मैं कर्मा डीजे मुंगेली से जो कि अभी डीजे यूनियन का अध्यक्ष बना दिए हैं, उनको मैं बखूबी से पालन कर रहा हूं और सभी सदस्य को एकाग्र रखने में मैं लगभग सफल की ओर हूं। एक एक सदस्य मिल करके हम यूनियन की रूपरेखा लिए और आज मुंगेली जिला में डीजे यूनियन की लगभग बात करते हैं तो 1050 सदस्य मुंगेली जिला में हैं, जिसमें से लगभग 450 के आसपास डीजे है और बाकी सभी साउंड वाले हैं। दोस्तों अभी भैया जी आप लोगों को बताने वाले हैं कि भैया जी ने अपना डीजे सेटअप माँ कर्मा डीजे सेटअप कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया। मैंने अपना डीजे सेटअप 2013 में वाहन वाला स्टार्ट किया, उस टाइम डबल 21 इंच का बेस चलता था, 3 डाल 2 डबल 12 वहाँ से स्टार्ट किया। बहुत आनंद आता था उस टाइम डीजे चलाने में, गांव-गांव में बारात होता था, एक दिन में 2 बुकिंग 3 बुकिंग करते थे और एक बुकिंग का मूल्य था 7,000-8,000 और अच्छा मूल्य उस तारीख में मिलता था तो वो था 9,000। भैया अपना सेटअप के पहले आप क्या करते थे और इस क्षेत्र में आपका आना कैसा हुआ। मैं जब 12वीं पढ़ रहा था तो मेरे माता पिता मेरे शादी कर दिए 12वीं के बाद, और जब मैं 10वीं 11वीं पढ़ रहा था ना तो उस टाइम से मेरा बिजली विद्युत काम में बहुत ज़्यादा लगन था। लोगों का ट्यूबलाइट ठीक करना, बोर्ड और पंखा बोर आदि दिखाया करते थे, मैं उसमें 2-2, 4-4 पैसा इकट्ठा करते गया। फिर उसके बाद लगभग ये आया 2011 में डेकोरेशंस, लगभग 4 से 5 हज़ार छोटा छोटा झालर लाइट आता था जो शादियों में सजाया करते थे, नवधा रामायण गीता भागवत और दिवाली में घर में सजाया करते थे, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद अपन 2013 में डीजे सेटअप लिया और ये सब तो आप समझ ही रहे हो। भैया आपने अपना सेटअप कितने बेस के साथ स्टार्ट किया था और अभी कितने बेस है। मैं अपना 21 से प्रारंभ किया था और उस टाइम पानी टंकी पंडरिया रोड मुंगेली में 2013 में एक पिकअप भी खरीदा था और उसी टाइम मेरा यहाँ दुकान का ओपनिंग हुआ था। जो 2 सेटअप 8-8 बेस का फिक्स सेटअप रहता है मेरे पास और बहुत सारी उसमें मटेरियल लगते हैं, वो सारी चीज़ें पूर्ति करके मैं ग्राहकों के लिए 24 घंटा मैं तैयार रहता हूँ और उनको एक निश्चित समय में रात्रि 10 बजे के बाद और 6 बजे से पहले थोड़ी सी दिक्कतें होती है और बहुत सारे यूनियन और प्रशासन के गाइडलाइन और उनके मानकों को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने व्यवसाय प्रारंभ किए। भैया स्टार्टिंग में जब आप सेटअप स्टार्ट किए थे तो आप रेटिंग स्वयं करते थे या कहीं बाहर से बुलाते थे आप रेटिंग के लिए। मुझे ये सारे चीज़ों में जड़ से अनुभव है, नीचे से।
मैं किसी भी बच्चा को पकड़ाऊंगा मिक्सर, उसको जैसे बोलूंगा वैसे करेगा, और मैं वहाँ रह करके मैं ये काम, मैं खुद डिस्टर्बेंस हो जाता हूँ क्योंकि माइंड में बहुत सारी बातें विद्यमान रहती है, इसलिए मैं जिसको जो बोला गया वो करते गया और मैं नीचे से उनको इंगित करता गया कि क्या सही क्या गलत, फिर वो खुद आत्मनिर्भर हो गए और आज अच्छी स्थिति में कर्मा डीजे मुंगेली पहुंच चुके। दोस्तों, भैया को जादूगर या मल्टी टैलेंटेड कहेंगे तो इसमें कोई दोहराय नहीं होगी। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है दोस्त, वीडियो को आगे तक पूरा देखिए। भैया, आपके डीजे सेटअप में लाइटिंग स्वयं का रहता है या कहीं बाहर से मंगाते हैं लाइटिंग भी? ऑल इन वन मेरी सेटअप ऐसी है जिसमें जनरेटर मेरी है, गाड़ी मेरी है और लाइटिंग मेरी है, ऑपरेटर मेरी है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अधिकतर डीजे सेटअप में, बड़े बड़े डीजे सेटअप में लाइटिंग किसी और का होता है और अपना सेटअप खुद का होता है, लेकिन हमारे भैया के पास लाइटिंग भी स्वयं का है और डीजे सेटअप भी स्वयं का ही है। दोस्तों, भैया जी आप लोग सभी को बताने वाले हैं कि उनका डीजे सेटअप 4 बेस, 8 बेस या 12 बेस कितने कितने प्राइस में जाता है? ये औसतन अपन ये देखते हैं कि ये उस तारीख में कितने काम हैं, यदि ज़्यादा मांग है तो स्वाभाविक सी है कि हमारी जो मूल्य है बढ़ जाती है और मांग घट जाने पर मूल्य गिर जाती है। समय अनुसार एक औसतन बता सकता हूँ, 8 बेस की सेटअप है, 15,000 के औसतन रहता है इसका, और अच्छा काम है तो 20,000, 24,000, 30,000 तक जाता है 8 बेस, और मांग गिर जाने पर ये 12,000 भी नीचे आ जाते हैं 8 बेस। भैया, आप अपने डीजे सेटअप में कौन सा मासपेड, स्पीकर, बेस कौन सा यूज करते हैं, ये आप बताना चाहेंगे? ये बहुत सारी चीज़ तो ऐसा रहता है जिनको छुपा करके रखना पड़ता है अपने टैलेंट को बरकरार रखने के लिए जी। और ये जो क्वाइल है, क्वाइल तो इसी में से लगना है जी। पर कैसे लगाना है, कितना में मैच कराना है, कितना में फिट बैठाना है उसको जी। और ऐसे क्या करें जो कंपनी बनाया है उससे भी अच्छा हो जाए जी। तो ये सबके लिए जो जड़ स्तर से ऊपर उठ के गए रहते हैं उनको ही नॉलेज रहता है, और ऊपर से डायरेक्ट देखते हैं उनको कोई पता नहीं चलता। एक्स आइडियो से संबंधित है, कुछ कुछ चीज़ एरियांस की चीज़ है, कुछ चीज़ बेरिंगर की है ना, और स्ट्रेंजर वगैरह की है, कुछ डीजे प्लस की भी है, कुछ आइडियो टोन का भी है। ये तरह का से जो अपना माल रहता है, जो हमें अच्छा मैच कर गया, जो हमारे सिस्टम में 4 चांद लगा दिया, उसी को हम अपना। भैया, कैबिनेट के बारे में आप पूरी जानकारी हमें दीजिए। ये जो कैबिनेट होता है ना, अपने अपने हिसाब से सतह से ओम से के हिसाब से स्पीकर जो लगता है ना, उसके हिसाब से उसको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, दिमाग दौड़ाना पड़ता है, घोड़ा भाग लगाना पड़ता है ताकि कितना में कौन कितना थ्रो करेगा। मेरी अच्छी संबंध है देव कैबिनेट भिलाई है, जिसकी प्रोपराइटर है खिलेश भाई जी, उनसे मेरी सारी बॉडी सिस्टम वहाँ से आ जाते हैं, और ये जो है कॉइल वगैरह की काम ये सब बाहर से आते हैं, कोई दिल्ली से आ जाते हैं और कोई राजस्थान वगैरह। भैया, जैसे कोई आपके जैसा डीजे सेटअप खरीदना चाहते हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले मैं अपना आदतन बता रहा हूँ कि कोई डीजे सेटअप खरीदना चाहते हैं ना तो उसको मैं मना करता हूँ कि बेटा ये धंधा थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है लोगों के नज़रिया से, क्या है बहुत तूफान भी आ जाता है, संभालना भी पड़ता है जी। तो इसको जड़ स्तर से धीरे धीरे जाया रहते हैं, उसको ये बिजनेस करने में दिक्कत नहीं है। और जो पहले बार जो जैसे ज़मीन बेच करके या घर गिरवी रख करके बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत आफत आने वाली रहती है। यदि संभल गए तो संभल गए, नहीं तो ऑल आउट। प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको बता देता हूँ कि ये बहुत ही मतलब अलग किस्म की है, एक साथ 10 फरमाइश आते हैं लोगों की, 10 फरमाइश एक साथ पूरा करना मुश्किल होता है, बहुत सारी तकलीफें भी हैं, व्यवसाय तो बहुत सारे हैं और करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डर के आगे जीत है। भैया, जैसे कोई आपके पास जनरेटर वगैरह जनरेटर है या साउंड है, उसके लिए किराए में मांगना चाहेंगे तो आप कितना में देना चाहेंगे, या देते हैं या नहीं देते हैं, सभी को बताइए। सामान्यतः तौर पर एक जनरेटर जो 10 किलो की होता है उसकी 1500 रुपये प्लस डीजल 12 घंटा के लिए किराए पर जाते हैं। और डीजे सेटअप जैसे नॉर्मली 8 बेस की है, और डीजे सेटअप यदि हमारी कंप्लीट खड़ी है, किसी को अचानक सा काम आ गया तो उसके लिए 5,000 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से हम अवेलेबल करा देते हैं। आप लोग भैया जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, भैया जी इतने टैलेंटेड है कि कहीं भी कोई भी आते हैं इनके पास तो उनको सारी चीज़ें बताते हैं। आप भी जब कभी भी यहाँ आइए तो इनसे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगा। तो आप यहाँ जब भी आए दोस्तों इस शॉप में, तो भैया से पूरी जानकारी लिए,
उसके पहले उस सामान को यूज ही ना करें जी। बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप ना मतलब परेशान हो जाओगे, आपका एक तो ज़मीन या घर गिरवी रख करके, या बड़ा ये छोटा सेटअप की बात नहीं है, 10 से 15 लाख रुपए की बजट में डीजे तैयार होता है। आसान नहीं है, किसी के पास पैसा इतना नहीं रहता कि वो आसानी से ले ले। अच्छा ले भी लिए तो उसको सही मैनेजिंग की अभाव होती है। तो बहुत सारे जानकारियां हमारे यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग सकारात्मक सलाह ही देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डीजे सेटअप खरीदने से तो सबसे पहले मैं मना किया हूँ, यदि आप तैयार हैं जड़ स्तर से जा रहे हैं तो फिर आपको कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारे भैया जी का इंटरव्यू आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताइए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी को बार बार देखने को मिलते रहे। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं माँ कर्मा डीजे सेटअप के पास। दोस्तों इस सेटअप को हम खुद अपना सेटअप कहेंगे तो कोई बुरा नहीं है, भैया को कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि भैया जी हम खुद बोलते हैं कि ये सेटअप आपका ही है करके। और सेटअप के बारे में भैया जी आप सभी को बताने वाले हैं जी। ये कर्मा डीजे मुंगेली जो देख रहे हो ये सब आपके ही खुशी के लिए है, आपके खुशियों में चार चांद लगाने के लिए है, ये आपको समर्पित है, इसको आप स्वीकार करें। हर सुख और दुख में मैं बहुत सारे लोगों को समर्पित कर देता हूँ, वहाँ पैसे की कहीं कोई बात नहीं होती है, और मैं जो जितना चाहता हूँ उससे मुझे ज़्यादा ही पैसा दिया जाता है। ये आठ बेस की सेटअप है जिसमें ब्लेंडर वगैरह लगा हुआ है, इसको फॉग मशीन्स बोलते हैं। इतना चलता है ना तो शहर के लिए पर्याप्त हो जाता है, धन 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 जब चलता है बेस ना। तो ये मैं ये बता दूँ आपको कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डीजे छत्तीसगढ़ में चलता है, और सबसे ज़्यादा डीजे का संचालन चाहे रायपुर के लिए हो, बिलासपुर के लिए हो, चाहे छत्तीसगढ़ में कहीं भी हो, इधर उधर जाने के लिए कोई भी जिला हो, सबसे ज़्यादा मुंगेली अग्रसर है। यहाँ के लोग डीजे को प्रमुख व्यवसाय बना करके रखे हैं, किसी के पास 2 सेटअप 4 सेटअप 6 सेटअप 3 सेटअप 1 सेटअप कॉमन रूप से देखने को मिलेंगे आपको। मुंगेली के नाम मतलब डीजे दिखाई देंगे आप। तो आप लोग भी कभी भी कहीं भी मौका मिले तो माँ कर्मा डीजे को इनवाइट करने के लिए ना भूलें। धन्यवाद। इनसे तो आप मिल ही चुके हैं दोस्तों, भैया जी का लड़का गुलशन। दोस्तों आइए आप देखते हैं लाइटिंग व्यवस्था। दोस्तों जैसा कि भैया जी ने पहले ही बताया है कि डीजे सेटअप में उनका लाइटिंग व्यवस्था स्वयं का रहता है, आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, अभी हम भैया जी का पूरा घर दिखाने वाले हैं आपको। हमारे पास बनने के लिए स्टॉक में स्पीकर रखा हुए है। ये देखिए दोस्तों स्पीकर्स रखे हुए हैं, ये रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। समय ना होने के कारण लाइट का ट्रस्ट। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं लाइटिंग के लिए ट्रस रखा हुआ है, और इधर भैया जी का पुराने साउंड्स भी है जो कि